नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं महान संत कबीर के जीवनी के बारे में। संत कबीर का जन्म 1399 ईस्वी में हुआ था। भारतीयों की रूढ़िवादिता एवं आडंबरों पर करारी चोट करने वाले महात्मा कबीर की वाणी आज भी घर घर में गूंजती है। वे भक्ति काल के प्रखर साहित्यकार थे और समाज सुधारक भी। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और धर्म के झूठे आडंबरपूर्ण कर्म कांडों पर जमकर प्रहार किया। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का पहला प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज को दकियानुसी एवं तंग दिली से बाहर निकालकर एक नई राह पर डालने का प्रयास किया। साखी, सबद, रमायणी के अतिरिक्त बीजक में उनकी रचनाएं संग्रहित हैं। उनकी उलट बांसियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कबीर का जन्म हिंदू परिवार में और पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था। काशी के घाट पर रामानंद जी के चरण स्पर्श हो जाने से कबीर ने अपने को धन्य माना और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। वे जुलाहे का कार्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में कबीर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर उनके अनुयायियों में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। कहते हैं कि जब शव की चादर उठाई गई तो उसके नीचे कुछ फूल पड़े थे। कबीर अधिक शिक्षित नहीं होने के बावजूद भी अपने युग के सबसे बड़े समाज सुधारक सिद्ध हुए। वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे। दरअसल कबीर क्रांति दृष्टा युग पुरुष थे। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदी रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।